Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will start our course that is normally called Corporate Governance. The first lecture is basically about the corporations and corporate governance. Formally, this is the outline of our today's lecture. We will study the global political system from a business point of view. कि दुनिया में जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो किस तरह इफेक्ट करते हैं बिजनेसेस को. देन वी विल डिस्कस सम गोल ऑफ बिजनेसेस. ऑब्वियसली दैट इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन द फॉर्म ऑफ बिजनेसेस वी विल डिस्कस इट. देन व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल. सो डियर स्टूडेंट, दैट वॉज बेसिकली द फॉर्मल आउटलाइन ऑफ फॉर टूडेज लेक्चर. ऑब्वियसली आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इन दिस लेक्चर टुडे वी विल बेसिकली पूरा एक ओवरव्यू करेंगे कोर्स का कि कोर्स में क्या चीज़ है, व्हाट इज बेसिकली मेंट बाय कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशंस क्या चीज़ होती है, हाउ कॉर्पोरेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेसेस. एक पूरा स्ट्रक्चर वी विल डिस्क्राइब अ लिटिल बिट टुडे डिटेल में. इंशाल्लाह पूरे कोर्स में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि हाउ दिस कॉर्पोरेशंस वर्क एंड हाउ द बिजनेस ऑफ दिस टाइप इज वर्किंग. सो फॉर्मली वी कैन स्टार्ट अबाउट दिस कोर्स इज कि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस होते हैं. यू मस्ट बी अवेयर the first one we can call it sole proprietorship. Suppose एक आम बंदा होता है, he simply start his business. So he simply bring his capital into the business. वो अपना पैसा ला के अपने business में invest करता है, अपना business start करता है, एक single person. So that is a very simple form of business. So that is normally we call it a sole proprietorship. इसका नेक्स्ट स्टेप नॉर्मली ये होता है कि जब वो बंदा इफ ही और शी वांट्स टू गेट मोर मनी, मोर कैपिटल, एंड इफ ही और शी वांट टू इंक्रीज हिज और हर बिजनेस, तो वो करते क्या है, दे सिंपली आस्क अदर पर्संस, बाकी लोगों से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आए और मेरे साथ बिजनेस करें. एंड इफ दे आर एग्रीड सो दे मेक देयर बिजनेस कम्बाइंड. फिर दो बंदे मिलके या तीन बंदे मिलके आपस में बिजनेस शुरू कर देते हैं. सो दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड दैट इज नॉर्मली कॉल्ड पार्टनरशिप. सो पार्टनरशिप में और सोल प्रॉपर्टीशिप में बेसिकली ये डिफरेंस है कि प्राइवेट बिजनेस पार्टनरशिप में और सोल प्रॉपर्टीशिप में द सिंपल डिफरेंस इज कि सोल प्रॉपर्टीशिप में यू आर द ओनली ऑनर ऑफ द बिजनेस. आप अकेले बिजनेस करते हो, यू कैन इन्जॉय द मैक्सिमम प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट मिलता है आप उसको इन्जॉय करते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. पार्टनरशिप में ऑल दो आपके पास ज़्यादा पैसा आता है, बट बेसिकली यू बेसिकली डिवाइड योर प्रॉफिट. दो बंदे होंगे तो आपका प्रॉफिट डिवाइड होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट ज़्यादा होगा लेकिन डिवाइड होगा. पार्टनरशिप का नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेशंस. कॉर्पोरेशन बेसिकली एक आम बंदे के जहन में नहीं होता कि भाई ये कॉर्पोरेशन क्या चीज़ होती है. या सपोज़ अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, सपोज़ इफ़ यू गो टू पेप्सी ऑफिस या कोका कोला के ऑफिस में जाते हैं, या किसी भी ऑफिस में जाते हैं, या किसी बैंक में जाते हैं, आप बी बैंक या किसी और बैंक के ऑफिस में जाते हैं, तो ऑब्वियसली यू सी सम पर्सन, आपको कुछ लोग नज़र आते हैं. जैसे ही आप इंटर होते हैं, so first thing is you see the reception, then the other employee of the of that particular office or company. So फिर आपको accountant की seat नज़र आती है. When you move on
तो आपको मैनेजर एटसेट्रा एटसेट्रा मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ नज़र आते हैं। सो एक ले मैन, एक आम बंदा ये सोचता है नॉर्मली कि ये लोग इस कंपनी के मालिक हैं एंड दे आर रनिंग द बिजनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, बट दिस इज नॉट द रियल केस। बेसिकली नाउ व्हाट इज कॉर्पोरेशन, जब सपोज दो या तीन बंदे पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, एंड इफ दे वांट मोर मनी, इफ दे वांट टू इंक्रीज देयर बिजनेस, सो व्हाट दे डू बेसिकली कि वो अपना जो बिजनेस है उसको वो रजिस्टर करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, एंड दे नाउ बिकम अ लीगल पर्सन और एंटिटी। उससे ये होता है कि मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टर आके आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, आपके बिजनेस के शेयर्स वो खरीदते हैं। सो सोल प्रोप्रेटरशिप में और पार्टनरशिप में यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस इंडिविजुअली, लेकिन कॉर्पोरेशंस में जब आप अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं एंड यू आस्क अदर इन्वेस्टर्स टू कम एंड इन्वेस्ट इन योर बिजनेस और बिकम द ओनर ऑफ द बिजनेस, तो फिर वो बिजनेस दैट आपके इंडिविजुअल ऑनरशिप में नहीं होता, नाउ दैट इज नाउ वी कॉल इट कॉर्पोरेशन। अब वो कॉर्पोरेशन बन गई है, इसमें मुख्तलिफ ऑनर्स बन गए हैं, मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स बन गए हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट और पार्टनरशिप से निकल के नाउ द बिजनेस इज कॉल्ड अ कॉर्पोरेशन। सो नॉर्मली कॉर्पोरेशन में यू कैन सी लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन द कॉर्पोरेशन इन द बिजनेस। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि जब समटाइम्स वो हजारों कभी कभार लाखों के हिसाब से वो इन्वेस्टर्स होते हैं या वो शेयर होल्डर्स होते हैं, सो इंडिविजुअली दे कैन नॉट मेक अ सिंगल डिसीजन। सपोज अगर एक बिजनेस में 1,000 शेयर होल्डर्स हों या 1,000 ऑनर्स हों, बिकॉज सोल प्रोपरेटरशिप में एंड पार्टनरशिप में यू हैव अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ ऑनर्स, तो वो इंडिविजुअली अपना डिसीजन कर सकते हैं। सपोज एक बिजनेस है, इफ देयर आर 3, 4, 5 ऑनर्स, सो इंडिविजुअली दे कैन मेक एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन वेरी इजीली। लेकिन कॉर्पोरेशंस में जितना आपका नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली दैट मेक्स यू डिफिकल्ट टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन। सो बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि फिर वो अपना एक बोर्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बेसिकली दे फॉर्म डिफरेंट फॉर्म ऑफ कमिटीज, जिसमें डिफरेंट मेजर कमिटीज होती हैं, फिर सब कमिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल एग्जेक्टिव कमेटी और फाइनेंस कमेटी। सो जितनी भी कंपनी या कॉर्पोरेशंस के अंदर जो बिजनेसेस या जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसका जो हेड होता है दैट इज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे मेक देयर ओन मैनेजमेंट टीम, फिर वो अपनी मैनेजमेंट टीम बनाती है और उसमें जो हेड ऑफ द मैनेजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो बेसिकली फिर वो मैनेजमेंट टीम दे रन योर बिजनेस, दे रन योर कंपनी। सो कमिंग अगेन कमिंग बैक टू दैट सिचुएशन, जब आप किसी भी ऑफिस में एंटर होते हैं, इफ दैट इज द ऑफिस ऑफ पेप्सी और कोका कोला और एनी अदर बिजनेस, सो बेसिकली दे आर द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। जी सर, आप किसी शॉप में जाते हैं तो वहां पर आपको यू कैन सी द ओनर ऑफ द ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, इफ दैट इज द सोल प्रोपरेटरशिप और इफ दैट इज द पार्टनरशिप बिजनेस। सो आप ऑनर को देख सकते हैं एंड इवन सम मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इवन द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। लेकिन कॉर्पोरेशन में जो जिस कंपनी के ऑफिस में आप एंटर होते हैं, सो ऑब्वियसली यू कैन सी द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। जो ऑनर्स होते हैं दे आर बिहाइंड द डोर्स, वो आपको नॉर्मली यू कैन सी देम विद योर आईज। सो वेरी ब्रीफली जब कॉर्पोरेशन बनती हैं
डिफरेंट शेयर होल्डर्स आके इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दे विल रन द बिजनेस. सो दे फॉर्म द बोर्ड, दैट इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बेसिकली द क्वेश्चन इज कि इफ ऑल द डायरेक्टर्स आर बीन अपॉइंटेड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, ऑब्वियसली तो शेयर होल्डर का एच ज्यादा होगा एंड ऑब्वियसली मैनेजमेंट का एच कम होगा. सो इस चीज को बैलेंस करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं वो उसमें एक पोर्शन शेयर होल्डर की तरफ से होता है, एक पोर्शन वो मैनेजमेंट की टीम की तरफ से होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम सीईओ मे बी द पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एंड इसमें एक और एलिमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. वो इसलिए करते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को दे शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजमेंट दे इनवाइट अदर पीपल आउटसाइड द कंपनी कि आके वो हमारी कंपनी को ज्वाइन करें, ताकि इफ दे वांट टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन ताकि उसमें बायसनेस ना हो. एंड नॉर्मली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो नंबरिंग होती है दैट इज नॉर्मली केप्ट इन ऑड फिगर्स लाइक 3, 5, 7, 9, 11, 13. बिकॉज अगर तीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो मेंबर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज की तरफ से हों या मैनेजमेंट की तरफ से, तीन सपोज वो शेयर होल्डर की तरफ से हों, सो ऑब्वियसली या वो एक अपॉइंट करेंगे ताकि वो फिगर वो ऑड हो जाए 7, या 3 करेंगे या 5 करेंगे. तो अगर कोई भी डिसीजन हो तो वो दैट इज पॉसिबल. अगर 7 मेंबर्स होंगे टोटल तो 4-3, सो द डिसीजन इज पॉसिबल. अगर इवन नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टोटल नंबर जो होगी, सो अगर 4 ने किसी डिसीजन के बारे में यस कहा और 4 ने किसी डिसीजन के बारे में नो कहा, तो वो डिसीजन नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता. सो दैट्स हाउ द कॉर्पोरेशंस वर्क, कि शेयर होल्डर्स दे मेक द बोर्ड. अंडर द बोर्ड उसमें काफी कमेटीज होती हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी, फाइनेंस कमेटी, एचआर कमेटी, मार्केटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर उस कमेटीज के अंदर सब कमेटीज होती हैं. सो जितने भी डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं नॉर्मली फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, फ्रॉम द शेयर होल्डर साइड एज वेल एज इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सो फिर उनको मुख्तलिफ कमेटीज में इंटर किया जाता है एंड विद देयर सुपरविजन फिर वो कमेटीज अपना काम करती हैं. फिर जब मैनेजमेंट टीम बनती है तो ऑब्वियसली बिजनेस को एक्चुअली जो रनिंग किया जाता है दैट इज थ्रू द मैनेजमेंट. बिकॉज मैनेजमेंट में यू हैव योर अकाउंट सेक्शन, यू हैव द ऑडिटर्स, यू हैव द मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो now the now we will conclude that the difference between the corporation is and as compared to the sole proprietorship as well as the partnership. ke sole proprietorship mein owner ke paas paisa rehta hai, uske haath mein paisa hota hai and that's how they can play or they can make their business. same is the case with the partnership. corporation mein basically it's the money ऑफ द शेयर होल्डर्स, लेकिन वो मैनेजमेंट के हाथ में होता है. बिकॉज शेयर होल्डर्स को तो बिजनेस करना नॉर्मली इतना नहीं आता, सो दे मेक देयर मैनेजमेंट टीम. जब मैनेजमेंट टीम बनती है सो ऑब्वियसली द मैनेजमेंट दे यूज द शेयर होल्डर्स मनी और उसी से फिर वो अपना बिजनेस चलाते हैं. सो दैट्स हाउ सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कॉर्पोरेशन एंड द पार्टनरशिप एज वेल एज द सोल प्रोपरशिप. कि कॉर्पोरेशंस में शेयर होल्डर का पैसा वो मैनेजमेंट के हाथ में होता है. सो नाउ जब मैनेजमेंट टीम ऑब्वियसली हायर होती है सो उसमें मुख्तलिफ किस्म की डिपार्टमेंट्स होते हैं एज वी हैव डिस्कस्ड, कि जिसमें अकाउंटेंट्स भी होते हैं, जिसमें यू कैन सी द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी. सो कंपनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट होता है दैट इज प्लेड बाय द अकाउंटेंट्स एज वेल एज द ऑडिटर्स. अकाउंटेंट बेसिकली जो अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसको वो रिकॉर्ड करता है, दैट इज द मेन पोजीशन
पर्पस ऑफ अकाउंटेंट, जितने भी आप वो कंपनी जितने भी इन्वेस्टमेंट करती हैं, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, नॉर्मली अकाउंटेंट उसको रिकॉर्ड करता है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिटर? ऑडिटर बेसिकली, फिर ऑडिटर में भी एक होता है इंटरनल ऑडिटर, जो मैनेजमेंट की टीम का अपना एम्प्लॉय होता है, अपना बंदा होता है, जस्ट टू चेक द वर्क ऑफ द अकाउंटेंट। लेकिन द कंपनी ऑनर्स ऑब्वियसली, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, दे कैन नॉट प्योरली रिलाय ऑन द इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट। मीन्स के शेयर होल्डर वो जो इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट होती है उसको उस पर रिलाय इसलिए नहीं करते, बिकॉज इंटरनल ऑडिटर इज एटलीस्ट इन वन वे और द अदर द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम। सो व्हाट दे बेसिकली डू कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर के थ्रू इंटरनल ऑडिटर एज वेल एज अकाउंटेंट का काम भी रीचेक करते हैं। सो जब मैनेजमेंट टीम बनती है तो ऑब्वियसली फिर मैनेजमेंट को यू हैव टू गिव सम सैलरीज, सम बोनसेस। सो ऑब्वियसली उनको सैलरीज भी मिलती हैं फॉर देयर ड्यूटीज, फॉर देयर परफॉर्मेंस। इफ दे परफॉर्म वेल तो ऑब्वियसली उनको बोनसेस भी मिलते हैं एम्प्लॉयज को। नाउ देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑप्शंस। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑल दीज टर्म्स इन डिटेल इन योर फर्दर लेक्चर, लेकिन ब्रीफली एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ इस वक्त। सो एम्प्लॉयज को सैलरी भी मिलती है, एम्प्लॉयज को बोनसेस भी मिलते हैं। नाउ व्हाट इज स्टॉक ऑप्शंस? स्टॉक्स और शेयर्स और ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स। सो कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम दे गिव सम पोर्शन ऑफ शेयर्स टू देयर एम्प्लॉयज। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों ये क्यों देते हैं अपने एम्प्लॉयज को नंबर ऑफ शेयर्स? बिकॉज अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें, बिकॉज के जो शेयर होल्डर होता है बेसिकली उसका इंटरेस्ट ये होता है कि शेयर होल्डर वॉन्ट टू हैव एन इंक्रीज इन द शेयर प्राइस। शेयर होल्डर का ये इंटरेस्ट होता है कि शेयर की प्राइस बढ़े, कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, ताकि जितनी शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली दैट इज गुड फॉर द शेयर होल्डर। सो दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। मैनेजमेंट का इंटरेस्ट क्या है? मैनेजमेंट बेसिकली दे वॉन्ट कि उनको ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव मिले, बोनसेस मिले, ज्यादा सैलरी में इंक्रीज मिले, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द शेयर होल्डर्स एज वेल एज द मैनेजमेंट। शेयर होल्डर का ये इंटरेस्ट है कि मैनेजमेंट को ज्यादा इंसेंटिव ना मिले, मैनेजमेंट को ज्यादा बोनसेस ना मिले, जितना फायदा हो वो शेयर होल्डर को हो। मैनेजमेंट ये चाहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, हमें ज्यादा बोनसेस मिले, हमें ज्यादा सैलरीज में इंक्रीज मिले, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो द कॉन्फ्लिक्ट, एक किस्म की लड़ाई होती है बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द मैनेजमेंट। सो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए, इस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए बेसिकली कंपनी जब अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स देती हैं, जिसको नॉर्मली स्टॉक ऑप्शंस कहते हैं, हम इसको इंशाल्लाह जब एग्जीक्यूटिव ऑप्शंस इंसेंटिव्स या एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव जो हमारा टॉपिक होगा उसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वेरी ब्रीफली कि जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स देती है, सो उससे ये होता है कि जो मैनेजमेंट और जो शेयर होल्डर के दरमियान जो टसल है, जो लड़ाई है, वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। द क्वेश्चन इज कि हाउ? द आंसर इज कि शेयर होल्डर पहले क्या चाहता था? शेयर होल्डर वॉन्ट कि उनकी शेयर प्राइस बढ़े ना। अब वही शेयर्स जब एम्प्लॉयज के हाथ में हो, अब वही शेयर्स जब एम्प्लॉयज के पास हो, तो ऑब्वियसली वही इंटरेस्ट जो शेयर होल्डर का है वो इंटरेस्ट अब एम्प्लॉय का बन गया। सपोज इफ आई एम एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी और मुझे कंपनी कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स देती हैं कि ये आप अपने पास रखें एट डिस्काउंट और मैनी अदर टर्म्स, तो
अब मुझे वो शेयर्स डिस्काउंट पे मिल गए, अब मेरा भी इंटरेस्ट ये है कि भाई मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा कंपनी में, कंपनी ग्रूम करेगी, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी स्टॉक एक्सचेंज में, तो ऑब्वियसली उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी और मुझे फायदा होगा. सो दैट्स हाउ द कंपनी दे ट्राई टू अलाइन और दे ट्राई टू मेक सिमिलर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर एंड द मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट भी शेयर की प्राइस बढ़ाने के चक्कर में है एज वेल एज, और जो शेयर होल्डर है वो भी ये चाहता है कि शेयर की प्राइस बढ़ जाए. सो एग्जेक्टिव कंपनसेशन में नॉर्मली एम्प्लॉयज को आप सैलरीज देते हैं, बोनसेस देते हैं एंड मेनी अदर थिंग्स, जिसमें स्टॉक ऑप्शन इज वन ऑफ द की कॉम्पोनेंट. अब जब शेयर मैनेजमेंट को शेयर्स मिल गए तो ऑब्वियसली अब वो भी कोशिश करेंगे कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, कंपनी की रिपुटेशन बढ़ाने के लिए, ताकि शेयर प्राइस बढ़े और उनको भी फायदा हो. सो कंपनी इशू शेयर्स स्टॉक्स. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि अब मैनेजमेंट की टीम भी बन गई. अब जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करते हैं, शेयर्स बेसिकली वेरी ब्रीफली मीन्स अ पोर्शन ऑफ ऑनरशिप, अ पोर्शन ऑफ एक लिमिटेड मिल्कियत. बिकॉज पास्ट में ये होता था कि पास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था, स्टॉक सर्टिफिकेट, कि आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं. लेकिन करंटली मॉडर्न एरा में ये है कि नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिकली आप ऑनलाइन यू हैव द ऑनरशिप ऑफ योर ऑफ द फर्म. सो ऑब्वियसली शेयर्स सिंपली मीन्स इन सिंपल टर्म्स दैट अ पोर्शन ऑफ ऑनरशिप. जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास होंगे, आपके पास उतनी ही ऑनरशिप होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 10% ऑफ शेयर्स, दैट मीन्स यू आर 10% ऑनर ऑफ द फर्म. अगर आपके पास 20% शेयर्स हैं, दैट मीन्स यू आर 20% ऑनर ऑफ द फर्म. सो फिर फर्म को जितना भी फायदा होगा, जितना भी डिविडेंड या प्रॉफिट एंड ऑफ द टर्म आएगा, तो आपको उसी हिसाब से आपको, इफ यू हैव 10% ऑफ शेयर्स, तो आपको 10% ऑफ ऑनरशिप के हिसाब से आपको डिविडेंड या प्रॉफिट मिलेगा. सो कंपनी बेसिकली मुख्तलिफ तरीके से कैपिटल जनरेट करती है. फर्स्ट इज बाय इशूइंग शेयर्स, इशूइंग जिसको, और जब पहली दफा कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो दैट इज कॉल्ड IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स. एंड दूसरी जो ऑप्शन है कि जिसमें कंपनी, सो बेसिकली कंपनी दो तरह के, दो तरीकों से कैपिटल जनरेट करती है. द फर्स्ट इज थ्रू बाय इशूइंग शेयर्स एंड और स्टॉक्स, जिसको स्टॉक्स भी बोलते हैं, शेयर्स एंड स्टॉक्स. और अनदर टर्म जिस तरीके से कंपनी कैपिटल जनरेट करती है, दैट इज थ्रू बॉन्ड्स. सो बॉन्ड्स स्टॉक, द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स या शेयर्स एंड बॉन्ड्स ये है कि स्टॉक इज अ सॉर्ट ऑफ ऑनरशिप, कि शेयर्स या स्टॉक आपकी ऑनरशिप है, आपकी मलकियत है कंपनी में. बॉन्ड्स बेसिकली कंपनी जब एक किस्म के सर्टिफिकेट होते हैं, जिस तरह नॉर्मल बॉन्ड नहीं होते, मे बी आपने शायद देखा हो कि एक छोटा सा सर्टिफिकेट होता है कि आप जब वो बॉन्ड लेते हैं तो ऑब्वियसली दैट इज अ सॉर्ट ऑफ डेट और लोन टू द कंपनी. आप पैसे देते हैं, आपको बॉन्ड्स मिलते हैं और उसमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है कि आपको इस बॉन्ड के रिटर्न पे इतना पैसा या रिटर्न मिलेगा. सो नाउ द क्वेश्चन इज अगेन कमिंग बैक दैट ट्रैक, हमारी कंपनी कॉर्पोरेशन बन गई, नाउ वी हैव मेट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद हमारी कमेटीज बनती हैं, देन वी हैव द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें अ पोर्शन ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से, एक शेयर होल्डर की तरफ से, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. अब सब कुछ हो गया. नाउ द क्वेश्चन इज के जब हमारी कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स इशू करेगी, स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स इशू करेगी, द क्वेश्चन इज कि हु विल ट्रस्ट आवर कंपनी. बिकॉज एक नई कंपनी जब बनती है, नई कंपनी जब अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है, लोगों को इन्वाइट करती है कि आओ हमारे बिजनेस में आप इन्वेस्ट करो. सो द क्वेश्चन इज कि हु विल ट्रस्ट आवर बिजनेस, हु विल ट्रस्ट आवर कंपनी. बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट
टू ब्रिंग द इन्वेस्टर्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से लोगों से पैसा निकालना और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना ये बहुत मुश्किल काम है. सो फॉर दैट पर्पस द कंपनीज दे ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बैंक्स. इन्वेस्टमेंट बैंक होता क्या है बेसिकली? इन्वेस्टमेंट बैंक बेसिकली वो बैंक्स होते हैं जो कंपनीज को हेल्प करती है इन मेकिंग कैपिटल, प्लस जो इनिशियल स्टेज पे जो कंपनी को एक किस्म का बूम चाहिए, एक किस्म का बैकबोन चाहिए, एक किस्म का पुश चाहिए. सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंक. सो हमारी कंपनी जब हमारी बैक पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक होगा तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी पे ट्रस्ट करेंगे. सो इन्वेस्टमेंट बैंक के बगैर कंपनी को लॉन्च करना, अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च करना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज लोग आपको जानते नहीं है, लोग क्यों आप पे ट्रस्ट करेंगे. सो टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स फ्रॉम द पब्लिक ऑब्वियसली यू यूज द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक. नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंक, हाउ दे वर्क एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको हम डिटेल में इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे. बट वेरी ब्रीफली इन्वेस्टमेंट सपोज नाउ हाउ इट वर्क्स, हमारी कंपनी बनती है, हम जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक के पास. इन्वेस्टमेंट बैंक में जो जो उनका ऑफिसर होता है दैट इज कॉल्ड एनालिस्ट. एनालिस्ट बेसिकली वो पर्सन होता है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ लिंक बिटवीन द कंपनी एज वेल एज द इन्वेस्टर्स और द जनरल पब्लिक. सो हम अपनी इन्फॉर्मेशन एनालिस्ट को देते हैं कि भाई हमारी ये कंपनी है, हमारे ये इतने एसेट्स हैं एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आप हमारे लिए आम पब्लिक से, आम इन्वेस्टर से कैपिटल लेके आओ. सो वो जो एनालिस्ट होते हैं वो हमारी इन्फॉर्मेशन हमसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं. सो ऑब्वियसली इस सारे जो प्रोसेस होता है वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कमीशन लेगा एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट बैंक बिकॉज एनालिस्ट इज एन एम्प्लॉय ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक. अब जब आम इन्वेस्टर्स वो एनालिस्ट के पास जाता है, वो भी इन्वेस्टमेंट बैंक जाता है नॉर्मली कि भाई मेरे पास इतना कैपिटल है, मेरे पास इतने रुपए हैं या इतने डॉलर हैं एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आई सिंपली वॉन्ट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, इन एनी कंपनी. तो फिर वो एनालिस्ट मुख्तलिफ कंपनीज इंक्लूडिंग और कंपनी के बारे में बताते हैं कि ये कंपनीज हैं, उनकी ये सेटिंग्स हैं या उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आप उसमें इन्वेस्ट करें. सो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द एनालिस्ट वी कैन अट्रैक्ट और वी कैन ब्रिंग कैपिटल इन टू अवर बिजनेस. सो नॉर्मली देर इज अ टर्म यूज अंडर राइटिंग इन्वेस्टमेंट बैंक. सपोज अगर आप हमारी कंपनी की पोजिशन स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बैंक हमें एश्योरिटी देगा कि भाई हम आपके लिए मार्केट से इतना कैपिटल निकालेंगे, गारंटीड कैपिटल. सो दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग मेथड. सपोज इन्वेस्टमेंट बैंक हमें कहता है हमारी कंपनी को कि मैं हम आपके लिए आपके जो शेयर्स हम इशू करेंगे मार्केट में या जो आपके जो बॉन्ड्स हम इशू करेंगे मार्केट में, सो हम उससे फॉर एग्जाम्पल इतने कैपिटल आपके आपकी कंपनी के लिए लेके आएंगे. सपोज अगर उतना कैपिटल नहीं मिलता तो फिर जो शेयर्स बच जाते हैं जो जिसको नॉर्मली कहते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स, सो वो शेयर्स इन्वेस्टमेंट बैंक खुद खरीद के हमें वो रकम पूरी कर देता है. और वो ये करता है इसलिए है बिकॉज ऑफ आवर गुड रेपुटेशन. अगर हमारी कंपनी की अच्छी रेपुटेशन नहीं होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट बैंक कभी भी अंडरराइटिंग मेथड नहीं करता. फिर वो करता क्या है बेसिकली दे विल गो फॉर द अदर ऑप्शन दैट इज कॉल्ड बेस्ट एफर्ट मेथड. बेस्ट एफर्ट मेथड में नॉर्मली इन्वेस्टमेंट बैंक उस वक्त यूज करता है कि जब कंपनी की रेपुटेशन ठीक नहीं होती, इतनी अच्छी नहीं होती है, वो नई कंपनी होती है एटसेट्रा एटसेट्रा. सो ऑब्वियसली उसमें ये होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक आपको कहता है कि ऑब्वियसली हम आपके लिए मैक्सिमम कैपिटल जनरेट करेंगे फ्रॉम द जनरल पब्लिक, उसमें गारंटेड मनी नहीं होता. सो
जिस तरह कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसका शेयर प्राइस उतना ही बढ़ता है। नाउ द क्वेश्चन इज विद द सो जो बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली, उनके लिए हमें रेटिंग की ज़रूरत होती है। जितनी अच्छी रेटिंग हमें मिलेगी तो ऑब्वियसली उतना अच्छा बॉन्ड लोग उसको खरीदेंगे। नाउ व्हाट इज रेटिंग बेसिकली, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। द कॉर्पोरेट टेक ओवर्स, नाउ द क्वेश्चन इज, अब शेयर्स भी इशू हो गए, बॉन्ड भी इशू हो गए, कैपिटल भी आ रहा है, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। नाउ द क्वेश्चन इज कि सपोज अगर एक कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही, हमारी कंपनी की मैनेजमेंट ठीक नहीं है या हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, शेयर प्राइस डे बाय डे गिर रही है, तो जो मेन एंटिटी होती है दैट इज द शेयर होल्डर द ऑनर, तो उसको फिक्र होती है कि भाई उसकी पैसा डूबने वाला है। सो ऑब्वियसली व्हाट दे विल डू कि वो बाकी जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके साथ या तो मर्ज करेगी या उसको इनवाइट करेगी कि भाई आके हमारी कंपनी को आप टेक ओवर कर लें। सो दैट इज अनदर परस्पेक्टिव ऑफ द कॉरपोरेशन कि जब आपकी कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही तो यू इनवाइट अदर कंपनीज कि वो आके हमारे साथ मर्ज कर लें, या यू जस्ट आस्क देम टू कम एंड टेक ओवर योर कंपनी, या तो हमारी कंपनी को खरीद ले। टेक ओवर मीन्स बाय करना, खरीदना, मर्ज करना, मिलके काम करना। सो दैट्स हाउ दे वर्क। सो अगर वो कंपनी दूसरी कंपनी आपके साथ मर्ज करती है सो ऑब्वियसली आपकी पोजीशन अच्छी होती है, एंड सो एंड सो फोर्थ। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप बेसिकली, जब कंपनी भी अच्छी काम कर रही है तो कॉर्पोरेट सिटीजनशिप इज के आपकी कंपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए। सो दे हैव टू गिव समथिंग इन रिटर्न टू द सोसाइटी, सोसाइटी के एटमोसफियर के का ख्याल रखना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सोसाइटी में इफ़ यू आर रनिंग योर बिजनेस एनी सोसाइटी, तो आप वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयज़ दें, वहाँ की जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन या दूसरे किस्म के पोल्यूशन उसका ख्याल रखें। सो कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मीन्स कि आपकी कंपनी ठीक काम कर रही है, सो इन रिटर्न आपको भी कंपनी को कुछ ना कुछ वापस देना चाहिए। सो बेसिकली दिस वॉज द होल रिव्यू ऑफ अवर कोर्स। एक हम इसको हमने काफ़ी ब्रीफली इसको डिस्क्राइब किए, हर एक टर्म को इंशाल्लाह वन बाय वन काफ़ी डिटेल में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू टूडेज लेक्चर, एज वी हैव डिस्कस्ड कि देर आर डिफरेंट पोलिटिकल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कम्युनिज्म, रेफर्स टू द पोलिटिकल सिस्टम दैट स्ट्रेसेस द प्राइमेसी ऑफ कलेक्टिव गोल्स ओवर इंडिविजुअल गोल्स। कम्युनिज्म सॉर्ट ऑफ सिस्टम ये होता है कि उसमें इंडिविजुअल गोल्स की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि मेन फोकस इज टुवर्ड द कलेक्टिव गोल्स ओवर इंडिविजुअल गोल्स। नाउ उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, नीड्स ऑफ सोसाइटी आर व्यूड एज अ होल देन इंडिविजुअल फ्रीडम, एज वी हैव डिस्कस के कम्युनिज्म में नॉर्मली सोसाइटी के नीड्स को इंडिविजुअली ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है एज कम्पेयर टू होल गोल जो होती है। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज आर मैनेज टू बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल रादर देन इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट। जितनी भी उस सोसाइटी में, उस सिस्टम में जितने भी इंटरप्राइजेज होते हैं, जितने भी बिजनेस होते हैं, वो स्टेट ओन्ड होते हैं, मीन्स के उस मुल्क की हुकूमत के हाथ में वो सारी इंटरप्राइजेज होती हैं, एंड दे वर्क फॉर द सोसाइटी एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल क्यूबा, वियतनाम, चाइना वगैरह में हमें वी कैन सी द सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म के जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्राइजेज गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। लेकिन चाइना के बारे में वी हैव सीन के चाइना हैव सिंपली ट्रांसफॉर्म्ड देयर बिजनेस जो सिस्टम होता है दैट इज टुवर्ड द मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मीन्स के बजाय सिर्फ स्टेट का सोचने की चाइना हैव इनवाइटेड अदर पीपल, अदर बिजनेसेस टू कम एंड इन्वेस्ट इन चाइना। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक रीजंस के बिकॉज डिस्पाइट ऑफ हैविंग कम्युनिज्म इन द सिस्टम, लेकिन चाइना ने फिर भी बाकी सिस्टम्स को, बाकी बिजनेसेस को इनवाइट किया है ताकि आए हमारे साथ आप बिजनेस करें। सो
नाउ अगेंस्ट कम्युनिज्म वी हैव द कैपिटलिज्म. नाउ व्हाट इज कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विद द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट. कैपिटलिज्म में इफ यू हैव अ बिजनेस सो ऑल बिजनेस बिलोंग्स टू यू. यू आर द ऑनर ऑफ द बिजनेस. यू कैन इंजॉय द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. सो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में सिर्फ छोटा सा फर्क यह है कि कम्युनिज्म में इंटरप्राइजेस बिजनेसेस स्टेट के हाथ में होती हैं. कैपिटलिज्म में बिजनेसेस उसका जो ऑनर होता है वो उसके हाथ में होता है, उसका स्टेट के साथ कोई खास काम नहीं होता. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म. ऑनरशिप बिलोंग्स टू यू मीन्स इफ यू आर द ऑनर सो यू कैन एंजॉय योर बिजनेस. कम्युनिज्म में बिजनेस नॉर्मली वो स्टेट के हाथ में ही होती है. फ्रीडम ऑफ ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियसली सुटेबल एनवायरमेंट फॉर बिजनेस एंड प्रॉफिट इन योर पॉकेट एंड रिवार्ड बेस्ड सिस्टम, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एनवायरमेंट. सो सपोज अगर मेरा बिजनेस मेरे हाथ में है एंड आई कैन एंजॉय द मैक्सिमम प्रॉफिट, आई कैन एंजॉय माय बिजनेस, सो ऑब्वियसली दिस ब्रिंग्स इनोवेटिव एनवायरमेंट. उससे इनोवेशन होती है, मैं और बिजनेस बनाने की सोचूंगा, मैं और कैपिटल बढ़ाने की सोचेंगे. तो ऑब्वियसली इन दिस सॉर्ट ऑफ सिस्टम कैपिटलिज्म में जो क्रिएटिव और इनोवेटिव एनवायरमेंट वो ज़्यादा होता है. इन कंट्रास्ट कम्युनिज्म में चूंकि बिजनेस आपके हाथ में नहीं होता, वो स्टेट ओन होता है, तो ऑब्वियसली उसमें इतना इनोवेटिव नेचर नहीं होता, इतना क्रिएटिव नेचर उसमें नहीं होता. गोल ऑफ अ बिजनेस मैक्सिमम प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग बिजनेस. ऑब्वियसली जो बिजनेस का गोल होता है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दैट इज द मेन फोकस ऑफ द बिजनेस कि प्रॉफिट आपका ज्यादा हो. प्रॉफिट किस तरह ज्यादा होगा? इंक्रीजिंग सेल्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट. यू कैन इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस बाय इंक्रीजिंग सेल इन द एग्जिस्टिंग मार्केट. सपोज अगर आपके मार्केट में आपकी एक शॉप है तो आप उसी मार्केट में दो तीन शॉप और खोल सकते हैं, तो दैट्स हाउ यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिट. और क्रिएटिंग न्यू मार्केट्स फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स मीन्स कि सपोज आपका एक प्रोडक्ट है तो आप दूसरे मार्केट्स को सर्च करें, दूसरे मार्केट को आप डायग्नोज करें. सपोज आपका अगर इस्लामाबाद में कोई बिजनेस है सो यू जस्ट गो टू पिंडी फॉर योर बिजनेस, और लाहौर और कराची और पिशावर. सो दैट्स हाउ यू कैन इंक्रीज और यू आर क्रिएटिंग मोर मार्केट फॉर योर बिजनेस. सो एनहांसिंग बिजनेस रिक्वायर्स कैपिटल विच ब्रिंग्स अ रिस्क. सो द एबिलिटी टू एक्सेस कैपिटल एंड कंट्रोल रिस्क आर इम्पॉर्टेंट इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द फर्म. सो ऑटोमेटिकली जितना आपका कैपिटल बढ़ता है तो ऑब्वियसली वो रिस्क भी साथ लाता है. अगर आपका लिमिटेड कैपिटल के साथ कोई बिजनेस है तो उसमें इतना रिस्क नहीं होता. जितना आपका कैपिटल बढ़ता है तो ऑब्वियसली उसमें रिस्क ज़्यादा होता है. नाउ वी हैव डिस्कस्ड सम फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस. द फर्स्ट वन इज ऑनरशिप और दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप. अ बिजनेस ओन बाय अ सिंगल पर्सन ऑब्वियसली के व्हाट इज उसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है. इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट सिंगल बिजनेस को. इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट. यू सिंपली ब्रिंग योर कैपिटल और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. मोर देन 70% ऑफ ऑल यूएस बिजनेसेस. यूएस में जितने भी बिजनेस 70% दैट इज सोल प्रॉपर्टरशिप बट लिमिटेड लाइफ स्पैन. लिमिटेड लाइफ स्पैन मीन्स के इफ द ओनर डाइज सो ऑब्वियसली वो बिजनेस बंद हो सकता है. डाई विद द ओनर्स डेथ एंड रिटायरमेंट. लिमिटेड एबिलिटी टू ऑब्टेन कैपिटल बिकॉज एक बंदे के पास जितना कैपिटल होगा उसी से वो अपना बिजनेस कर सकता है. सो लिमिटेड एबिलिटी होती है कैपिटल के लिए. ऑनर बियर्स अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस फॉर द फर्म और बिजनेस. ऑनर बियर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कि जितना भी नुकसान होगा वो सारा वही बर्दाश्त करेगा. इफ यू आर द सिंगल ऑनर ऑफ योर फर्म सो ऑल लॉसेज विल हैव टू बियर बाय योर सेल्फ. जितने भी लॉसेज होंगे वो आपने बर्दाश्त करने हैं. एंड लेस ट्रस्टवर्दी कि इंडिविजुअल बिजनेस पे लोग इतना ट्रस्ट नहीं करते. इसकी सिंपल एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये है कि एक
तरफ आपके पास पेप्सी या कोक या कोई भी ब्रांड पड़ा हो सॉफ्ट ड्रिंक की, दूसरी तरफ कोई बिल्कुल ब्रांडलेस कोई सॉफ्ट ड्रिंक पड़ी हो जिसका कोई ब्रांड ना हो, तो ऑब्वियसली एक आम कस्टमर दे विल गो फॉर द कोक और पेप्सी और द ब्रांडेड सॉफ्ट ड्रिंक बिकॉज उसका ट्रस्ट ज़्यादा होता है। इंडिविजुअल जिसका कोई ब्रांड नहीं होता तो उस पर इतने लोग ट्रस्ट नहीं करते। पार्टनरशिप सिमिलर टू सोल प्रॉपरशिप बट देयर इज मोर देन वन ऑनर, द एबिलिटी टू पूल कैपिटल बट मे नॉट बी एज इम्पॉर्टेंट एज कंबाइनिंग सर्विस ओरिएंटेड एक्सपर्टीज एंड स्किल स्पेशली फॉर लार्जर पार्टनरशिप, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग फर्म्स, लॉ फर्म्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड एडवर्टाइजिंग फर्म्स। पार्टनरशिप जब दो बंदे मिलकर काम करते हैं सो जिसको पार्टनरशिप कहते हैं। सो उसमें यह है कि द एबिलिटी टू पूल कैपिटल, उसमें आपके पास ज़्यादा पैसा भी आता है। लेकिन कुछ सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस होती हैं जिसमें इतना ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग फर्म्स हैं, लॉयर्स हैं, अगर दो लॉयर मिलकर काम करते हैं तो उसमें कोई इतना उस पैसे की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज दीज आर सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड एडवर्टाइजिंग फर्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगेन कॉर्पोरेशन इज इट्स ओन लीगल एंटिटी एज इफ इट वर अ पर्सन। वी हैव डिस्कस्ड कि कॉर्पोरेशन ये है कि जब आप इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर कैपिटल फॉर मोर मनी सो आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करते हो। सो अब ये आपका इंडिविजुअल बिजनेस नहीं रहा, जितना लोग फिर आप अपने शेयर्स इशू करते हैं अपने बिजनेस के मार्केट में, सो जितने लोग आपके शेयर्स लेंगे तो नाउ दे आर द ओनर ऑफ योर बिजनेस, जितना आपका ऑनरशिप है उतना उनका भी ऑनरशिप होगा। एडवांटेज इज द ऑनर ऑफ द कॉर्पोरेशन इंजॉयज लिमिटेड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, मीन्स कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास होंगे अगर लॉस होता है तो आपको उतना ही लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल आइडियली अगर 100 रुपीज़ हैं किसी बिजनेस में और आपके पास 5 रुपये की ऑनरशिप है तो अगर कंपनी डूबती है फॉर एग्जाम्पल सो आप सिर्फ 5 रुपये आपका लॉस होगा, दैट इज वी कॉल इट लिमिटेड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज विच इज़ वेरी हार्ड इन केस ऑफ सोलो प्रोपराइटरशिप एंड पार्टनरशिप, फॉर एग्जाम्पल बिल गेट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड दीज आर सम ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड देयर ऑनर्स और देयर फाउंडर्स। Fewer than 20% of all US businesses are corporations, but in are generating approximately 90% of country's business revenue. Sole proprietorship 70% था almost of US और corporation वो 20% है, लेकिन जितने भी revenue generate होते हैं अमेरिका में वो corporations का सबसे ज़्यादा है। The most important advantage of corporation business is access to कैपिटल मार्केट एंड कैन रेज मनी बाय इशूइंग स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स टू इन्वेस्टर्स, कि कंपनीज अपने शेयर इशू करती हैं, अपने बॉन्ड्स इशू करती हैं एंड दैट्स हाउ दे अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड दे ब्रिंग मनी इनटू द बिजनेस। इट डजंट डाई व्हेन इट्स ऑनर डू, बट कॉर्पोरेशन इज नॉट इन सिंगल पर्सन ऑनरशिप, इट हैज़ मैनी ऑनर्स। सो जो उसके जो प्राइमरी फाउंडर होता है अगर बिकॉज वो अब अकेले बिजनेस का ऑनर नहीं है, नाउ देयर आर अदर मैनी सेवरल ऑनर्स, सो अगर वो प्राइमरी ऑनर फोर्थ भी होता है इफ ही और शी डाइज सो उससे बिजनेस या कॉर्पोरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज अभी उसके काफ़ी और भी ऑनर्स हैं। जिस तरह बिल गेट है, ही इज़ द प्राइमरी फाउंडर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, सो अब माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ बिल गेट ऑनर नहीं है, बाकी भी दूसरे पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स हैं। तो अगर बिल गेट इफ ही डाइज सो ऑब्वियसली कॉर्पोरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक एग्जांपल है, बिटवीन 1977 एंड 1980 एप्पल कंप्यूटर्स सोल्ड अ टोटल ऑफ 1,21,000 कंप्यूटर्स to meet the potential demand for millions of computers per year. Apple needed to expand operations significantly. As a result, in 1980, Apple became a public corporation. 1980 में
माइक्रोसॉफ्ट जो 1980 में एप्पल को कॉरपोरेशन में कन्वर्ट किया गया एंड सोल्ड 65 मिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ स्टॉक्स। सो चूंकि एप्पल की इतनी रिपोर्टेशन थी कि जब उसको कॉरपोरेशन में कन्वर्ट किया गया तो काफी लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, काफी लोग अपना पैसा उसमें लाए हैं। सो 65 मिलियन डॉलर्स के स्टॉक्स उस वक्त बिके थे एप्पल के। मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉरपोरेशन आर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आर सब्जेक्ट टू बिजनेस टैक्सेस बिफोर एनी इनकम गोज टू शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। सब्सिक्वेंटली शेयर होल्डर्स मस्ट ऑल्सो पे पर्सनल टैक्सेस ऑन डिविडेंड इनकम विच मीन शेयर होल्डर्स आर एक्सपोज टू डबल टैक्सेशन। एक डिसएडवांटेज ये है कॉरपोरेशन में जो शेयर होल्डर या ऑनर होते हैं कि वो डबल टैक्सेस देता है। नंबर वन, कंपनी जब अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करती है तो उससे उस वक्त टैक्स डिडक्ट होता है, प्लस जब वही प्रॉफिट इंडिविजुअल शेयर होल्डर के पास जाता है तो ऑब्वियसली उसके जो पर्सनल टैक्सेस डिडक्ट होते हैं। सो द शेयर होल्डर इज फेसिंग बेसिकली सॉर्ट ऑफ डबल टैक्सेशन। रनिंग कॉर्पोरेशन कैन बी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अकाउंटेंट्स एज वी हैव डिस्कस्ड के शेयर होल्डर जो होते हैं बेसिकली इज वो कंपनी को रन नहीं कर रहा होता, वो अपनी एक मैनेजमेंट टीम बनाता है। तो मैनेजमेंट टीम में ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जो सैलरीज बोनसेस ये काफ़ी खर्चा वो कंपनी बर्दाश्त करती है। सो द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अकाउंटेंट्स, लीगल एक्सपर्ट्स, कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ऑल शेयर होल्डर्स, कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंग विद रेगुलेशन एंड सो फोर्थ, परहैप्स द मेन डिसएडवांटेज ऑफ गवर्नेंस प्रॉब्लम। बाकी जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं उसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है द डिफरेंस और द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द मैनेजमेंट, बिकॉज शेयर होल्डर का पैसा मैनेजमेंट के हाथ में है। सो दिस टसल और दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड मैनेजमेंट दैट इज बेसिकली कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो स्मॉल स्टेक एंड लैक ऑफ ट्रू सेंस ऑफ ऑनरशिप ब्रिंग रिस्क एंड लैक ऑफ कंट्रोल। सो स्मॉल स्टेक एंड लैक ऑफ ट्रू सेंस ऑफ ऑनरशिप मीन्स कि जब एक कॉरपोरेशन में काफी शेयर होल्डर्स होते हैं, थाउजेंड्स नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं। सपोज मैं मेरे पास एक कंपनी के शेयर्स हैं और कंपनी में हजारों लाखों के हिसाब से शेयर होल्डर्स हैं। सो ऑब्वियसली मेरा इतना इंटरेस्ट फिर कंपनी में नहीं रहता, मेरा सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि मुझे डिविडेंड मिले, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। सो स्मॉल स्टेक का मतलब ये है कि बीइंग अ स्मॉल ऑनर ऑफ द फर्म एंड लैक ऑफ ट्रू सेंस ऑफ ऑनरशिप। सो जब मेरे पास स्टॉक लिमिटेड नंबर होगा, मेरे पास शेयर्स नंबर लिमिटेड नंबर में होंगे, मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, सो जो ट्रू सेंस ऑफ ऑनरशिप है वो उसमें कमी आएगी। सो अभी आपको ये स्टेटमेंट समझ आएगी कि स्मॉल स्टेक के आपके पास जब लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं दैट क्रिएट्स अ लैक ऑफ ट्रू सेंस ऑफ ऑनरशिप, तो उससे क्या होता है कि दैट ब्रिंग रिस्क एंड कंट्रोल एंड लैक ऑफ कंट्रोल। जब इंडिविजुअली हर एक बंदा ये नहीं सोचेगा कि कंपनी क्या करी क्या नहीं करी, तो जब सारे मिलके उसकी फिक्र नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर मैनेजमेंट कैन प्ले विद योर मनी, बिकॉज इन वन वे और द अदर योर मनी इज विद द मैनेजमेंट हैंड। मेरा पैसा मैनेजमेंट के हाथ में है, सो अगर मुझे फिक्र नहीं होगी तो ऑब्वियसली दे कैन प्ले इन एनी वे विद माई मनी। सो नाउ व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? प्रॉब्लम्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। कि ऑनरशिप और कंट्रोल, ऑनरशिप मीन्स द शेयर होल्डर्स, कंट्रोल मीन्स द मैनेजमेंट। सो जब इनके दरमियान टसल्स क्रिएट होते हैं, बिकॉज शेयर होल्डर ये कहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉफिट दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर प्राइस इंक्रीज करो, मैनेजमेंट ये कहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव दो, बोनसेस दो, सैलरीज में इंक्रीज दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस किस्म के टसल्स दैट इज बेसिकली कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फोकसिंग ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड रूल्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटीज, रूल्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स एंड कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट। दिस एक्सप्लेन्स हाउ कॉर्पोरेशन इज स्ट्रक्चर।
अब शुरू में हम ये कह चुके हैं कि कॉर्पोरेशन किस तरह स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरह बोर्ड बनते हैं, किस तरह कमेटीज़ बनते हैं, किस तरह ऑडिट कमेटीज़ बनती हैं, डिफरेंट कमेटीज़ बनती हैं। सो दिस इज बेसिकली अ डायग्राम विच शोज कि शेयर होल्डर्स की तरफ से बोर्ड होता है, इसको नॉर्मली कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और मैनेजमेंट की तरफ से या एम्प्लॉयज की तरफ से मैनेजमेंट होती है। सो बोर्ड और मैनेजमेंट मिलके काम करते हैं, एंड इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि बहुत ख़राब सिचुएशन होती है। अगर बोर्ड और मैनेजमेंट या शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के दरमियान इफ़ द एनवायरमेंट इज़ फेवरेबल, अगर माहौल आपका दोस्ताना है, तो ऑब्वियसली कंपनीज बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं। वी हैव मैनी एग्जाम्पल्स लाइक द माइक्रोसॉफ्ट और द एप्पल एंड मैनी अदर मल्टी नेशनल कंपनीज, इसमें बोर्ड जो शेयर होल्डर होता है वो मैनेजमेंट का ख्याल रखता है, और मैनेजमेंट बेसिकली दे रियली वर्क फॉर द शेयर होल्डर इंटरेस्ट, बिकॉज मैनेजमेंट को पता होता है कि हमारे हाथ में जो पैसा होता है वो हमारा नहीं है, वो शेयर होल्डर का है। सो अगर आपका इन्वायरमेंट फेवरेबल है, सो दिस कैन गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट इन योर बिजनेस। सो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, स्टॉक होल्डर्स ऑन द फर्म एंड ऑफिसर्स और द एग्जीक्यूटिव्स कंट्रोल द फर्म, ऑब्वियसली हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स कैन नॉट कलेक्टिवली टेक डिसीजन, सो फर्म हायर मैनेजर्स फॉर दैट वर्क। द शेयर होल्डर्स मेन फोकस इज टूवर्ड बिजनेस परफॉर्मेंस एंड रिटर्न ऑफ देयर स्टॉक्स रादर देन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यह सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सो वाई शुड मैनेजर्स शुड टेक केयर अबाउट द ऑनर्स, सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट फॉर द स्टॉक होल्डर्स एंड मैसिव पर्स फॉर देमसेल्व, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम्स और द एजेंसी प्रॉब्लम्स। प्रिंसिपल मीन्स द शेयर होल्डर, एजेंट मीन्स द मैनेजमेंट। सो वही इफ देर इज एनी टसल, एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द मैनेजमेंट, सो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, और इसको कलेक्टिवली इसको एजेंसी प्रॉब्लम भी बोलते हैं। Managers may be tempted to use the firm's assets for their own ends. Secretary may take the supplies. Managers may take extra food or fancy furniture for their offices. Executives can use expensive jets for traveling, etc., etc. So these were some of the misuse of the assets of the company by the management. So ability to steal from the shareholders, the most are the executives. So जितने भी frauds होते हैं, जितने भी मिसयूज होते हैं, वो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव्स ही करती हैं, मैनेजमेंट नहीं करती हैं। सो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? द फर्स्ट वन इज कॉमन इंसेंटिव्स। कॉमन इंसेंटिव्स में हम सैलरीज दे सकते हैं, हम स्टॉक ऑप्शंस दे सकते हैं, जिस तरह हमने शुरू में डिस्कस किया, एंड ऑल्सो द मॉनिटरिंग, उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। ऑल ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। So briefly today we discussed this different political systems, जिसमें हमने कम्युनिज्म को डिस्कस किया, थोड़ा सा कैपिटलिज्म को डिस्कस किया। कम्युनिज्म में थोड़ा सा जितने भी बिजनेस होते हैं वो स्टेट ओन होते हैं, बिकॉज कम्युनिज्म में द मेन फोकस इज द होल सोसाइटी रादर देन इंडिविजुअल पर्सन। सो जिसमें हमारे पास काफ़ी वियतनाम, क्यूबा, बड़े इवन यूरोप के काफ़ी कंट्रीज आती हैं कम्युनिज्म में। कैपिटलिज्म में इज अ सिस्टम जहाँ पर जो स्टेट का मेन फोकस होता है, दैट इज इंडिविजुअल। सो उससे ये होता है, एंड आपका बिजनेस आपके हाथ में होता है। कम्युनिज्म में बिजनेस स्टेट के हाथ में होता है, कैपिटलिज्म में यू कैन एंजॉय योर बिजनेस, यू कैन एंजॉय योर प्रॉफिट, यू कैन एंजॉय योर रिवॉर्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उससे ये होता है कि कैपिटलिज्म में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, इनोवेशन बढ़ती है। सो इन वेरी शॉर्ट वी कैन से कि जितनी भी पूरी दुनिया में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दैट इज नॉर्मली फ्रॉम द वेस्ट साइड, जितना भी एंड द कैपिटलिस्ट साइड, कि जितना भी बिकॉज वहाँ पे कंपनीज ग्रो करती हैं, लोग मेहनत करते हैं, उनको पता है कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे हमें ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। That is normally not the case in the communism side. So then we discuss the goal of business. Obviously, के main goal business का ये है, that is profit maximization. Form of businesses we have discussed.
सोल प्रोप्रेटरशिप, इंडिविजुअल बिजनेस, पार्टनरशिप व्हेन टू पर्सन कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म देयर बिजनेस, एंड कोऑपरेशंस जब आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करते हैं इन द स्टॉक एक्सचेंज, फिर वो आपका बिजनेस नहीं रहता। फिर जितने लोग आपके शेयर्स ले रहे हैं, शेयर्स लेने मीन्स कि वो पैसा ले रहे हैं आपके बिजनेस में, सो नाउ दे आर द ऑनर ऑफ योर बिजनेस विद यू। सो व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली के लाइक सोल प्रॉपर्टरशिप में पैसा ऑनर के पास होता है, पार्टनरशिप में भी नॉर्मली पैसा ऑनर्स के पास होता है, लेकिन कॉर्पोरेशन में पैसा वो मैनेजमेंट के पास होता है। कॉर्पोरेशन में शेयर होल्डर का पैसा दैट इज विद द मैनेजमेंट, जो टीम आप सेलेक्ट करते हैं फॉर योर बिजनेस। सो वो मैनेजमेंट आपके पैसा के साथ किस तरह डील करती है, सो दिस सॉर्ट ऑफ टसल और द कॉन्फ्लिक्ट और सिचुएशन इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड देन सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द होल स्टोरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली ये बिजनेसेस स्टार्ट किस तरह होते हैं, ये बिजनेसेस चलते किस तरह हैं, बेसिकली हाउ दे स्टार्ट देयर बिजनेस इवन लाइक बाय इशूइंग शेयर्स एंड द बॉन्ड्स एंड एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक एंड एक्सेट्रा, और किस तरह इफ दे कैन सी एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। सो अगर कंपनीज में कोई प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, सो हाउ दे कैन कन्वर्ट देयर बिजनेस टूवर्ड द मर्जर और एक्विजिशन, एंड ऑब्वियसली अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है, सो देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द कॉर्पोरेशन कि वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ इन रिटर्न वो करें। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आपको क्लियर होगा कि वट इज बेसिकली मेंट बाय कॉर्पोरेशन, किस तरह वो काम करते हैं, हाउ कॉर्पोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल और सोल प्रॉपर्टरशिप एंड द पार्टनरशिप। सो अब अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं, सो ऑब्वियसली द पिक्चर मस्ट बी क्लियर कि दे आर द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, दे आर नॉट द ऑनर ऑफ द बिजनेस और द ऑनर ऑफ द कंपनी। सो ऑनर वो दूसरे लोग होते हैं, और जो आपको सामने नजर आते हैं दैट इज बेसिकली द मैनेजमेंट टीम ऑफ दैट कंपनी। दैट द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस ऑल दीज टर्म्स इन डिटेल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।